हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस बार जो इग्नू के एग्ज़ाम हैं, बाकी प्रोग्राम के तो पता नहीं, लेकिन जो एमईसी के हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, क्योंकि इग्नू में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अभी हुए हैं, बस एक एमईसी 106 रह गया, देखते हैं वो कैसा आएगा। वैसे भी उसका लास्ट ईयर फर्स्ट ही एग्ज़ाम हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम 106 का एग्ज़ाम हुआ था, और 006 का तो काफ़ी बार हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ 007 को छोड़ के, बाकी सब में जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो नए आए हैं। ठीक है, मोस्टली जो है वो नए पूछे गए हैं। मतलब दो तीन सब्जेक्ट अगर हम देखें, 108, 109 और 007, जिसमें थोड़े बहुत जो है, 007 में तो मोस्टली पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन 108, 109 में दो चार क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी में तो बिल्कुल ही जो है क्वेश्चन पेपर देखें तो एकदम ही नए क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हैं। तो जो सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए एडवाइस है, प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे या फिर वीडियोस पे ही डिपेंड ना रहे। जितना आप अपनी तरफ से सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना कीजिए। भैया आपके पास 10 दिन है, 27 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियोज़ पे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड ना रहे। वो तो मैं आप लोगों को पहले ही बोलती थी जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती थी, कि जितना आप अपनी तरफ से सिलेबस कवर कर सकते हैं वो भी करें। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा है कि क्या पता फर्स्ट ईयर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना रिपीट हो, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन या टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आया है या नहीं आया है। ठीक है, और बाकी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को भी कवर करना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट आप लोगों से सॉरी कि इस बार आप लोगों के से कि जो मैं हेल्प नहीं कर पाई, मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प नहीं मिली एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों के जो एग्ज़ाम हो वो अच्छे गए हों और आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आए। थैंक यू।